नमस्कार, बुलेटिन को आपन को स्वागत करुछ। मु स्वागतिका बुलेटिन आरंभ करबा एक गुरुत्वपूर्ण खबर। एयर इंडिया को नहीं आसला बड़ खबर। एयर इंडिया को किणिला टाटा कंपनी। मिलिथिबा सूचना अनुसार एयर इंडिया किणिबा नहीं गठित पैनल टाटा ग्रुप को मनोनीत करिछि। बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय, डिपार्टमेंट अफ इनभेस्टमेंट एंड पब्लिक आसेट मैनेजमेंट और डायरेक्टोरेट अफ सिविल एविएसन अधिकारी टाटा ग्रुप प्रतिनिधि और स्पाइस जेट चेयरमैन अजय सिंह को साक्षात करते शेषे टाटा ग्रुप को एयर इंडिया किणवा नहीं बिड को जीति नहीं। 1932 मसीह जेआरडी टाटा टाटा एयरलाइंस प्रतिष्ठा करते 1953 केन्द्र सरकार यह जातीयकरण करते यार भितर 68 वर्ष पर घर संस्था हाथ को गला एयर इंडिया मालिकाना। एयर इंडिया को निलाम जीतिला टाटा सन्स मनोनीत कला पैनल कमिटी। तेरे बिड्रे देखा कि बिडिंग दे दुईट कंपानी भाग नहीं किंतु जो भाव में टाटा कंपानी को जीति एयर इंडिया को निलाम जीतिला टाटा सन्स से संपर्क में अधिक आलोचना करवा। चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा राजीव साहू सिक्त साहू आपको स्वागत करुच्छे आलोचना को। 68 वर्ष पर आप देखु घर संस्था हाथ को जाइए एयर इंडिया मालिकाना। एयर इंडिया को निलाम जीति नहीं टाटा सन्स आप आग को कौन आशा रखुं सिक्त साहू? प्रथम मुबी जे मु बहुत खुशी एवं मो भाया अनेक खुशी लोक अच्छे जो मैंने एलिंग एयर इंडिया रुग्ण एयर इंडिया को टाटा कंपनी बिडिंग प्रोसेस रे ताको एक्वायर करिया को जाउची एवं तार मालिकाना टाटा कंपनी हाथ को जाउची। प्रथम मु कहि रखे टाटा कंपनी भारत रो एवं पृथ्वी रो गोटे नामी कंपनी एवं एभलिया एक कंपनी को एयर इंडिया जोटा कि इनएफिशिएंट थिला एवं तार लोक संख्या अनेक थिले तार लॉस बहुत अधिका थिला ऋणग्रस्त होता जो केंद्र सरकार बाध्य ताकु डिसइनवेस्टमेंट करिया को डिसाइड करले एवं जो बिड कॉल करथिले तार सब स्क्रूटिनी परे एटा गुटे डिफिकल्ट बिडिंग प्रोसेस जार बहुत स्क्रूटिनी परे दीटा कंपनी आसीथिला जोटा कि गोटे टाटा सिंगापुर एवं द्वितीय टी होची स्पाइस जेट एवं सेथिरे टाटा सन्स तार जो कंग्लोमरेट अछि सेमाने बिडिंग रे जीतिछंती एवं निश्चय एथिरे मैनेजमेंट रे सुधार आसिबो एवं आर एफिशिएंसी बढ़िबो। जो एयर इंडिया नामरे जो परिचालित होतला जार अनेक समय रे आमे देखिचु तार एफिशिएंसी रे संदेह सृष्टि होतला वर्तमान टाटा कंपनी नवा द्वारा निश्चय एटा भलो चलिबो। आपण देखंतु लोन बडन बहुत थिला तास तो लॉस मध्य बहुत होतला तो आपण को आकलन कोन समीक्षा कोन आस्था करबा कि जेतु टाटा कंपनी नेबा परे हाथ को नेबा परे ये प्रॉफिट हबो लाभ हबो? प्रथम मु कहि रखे जे ऑलरेडी टाटा कंपनी टाटा एवं सिंगापुर एयरलाइन हिसाब रे विस्टारा नाम रे जो एयरलाइन चलै छी भारत रे सेटा गोटे एफिशिएंट एयरलाइन बोली एबे परिगणित होउची। द्वितीय कथा होउची टाटा मैनेजमेंट जो थिरे बे हाथ देइचंती सेतिरे प्राय तो सक्सेस हेइचंती तेणु आमे आशा करिबा जे एई जो एयर इंडिया को नेला परे टाटा कंपनी मैनेजमेंट रे एटा भलो फल दबो प्रॉफिटेबल हबो एवं एक्सपेंशन मध्य करिबो एवं जो केंद्र सरकार को योजना अछि उड़ान स्कीम एवं अन्यन्य स्कीम रे जो छोट छोट शहर को कनेक्ट करिबो नुआ नुआ एयरपोर्ट को कनेक्ट करिबो जातीय उड़ान संस्था सेथिरे एई जो टाटा सन्स नेला परे अधिका एयरक्राफ्ट किणिबा द्वारा ता कनेक्टिविटी मध्य बढ़िबो जोटा कि लोकंक स्वार्थ रे आसिबो एवं भारत केंद्र सरकार को पई ए जो बिडिंग डिसइनवेस्टमेंट प्रोसेस एटा गोटे बड़ सफलता कहले ठीक हबो। आज्ञा, निश्चित भाव रे। तबे जो कथा आपण कहउछन्ती सिक्त साहू ये सरकार को पई गोटे बड़ सफलता हम निश्चित भाव रे कहि परबा काहे कि ना एयर इंडिया रो जो डिसइनवेस्टमेंट एते सहज नथिला या द्वारा देशर अर्थनीति केते दूर सुदृढ़ हबो बोली आमे आशावादी रहिबा तास तो पैसेंजर को पई यात्री को पई केते दूर सहायक होई परबो काहे कि ना आपण जो उड़ान स्कीम कथा कहउथिले काहे कि ना अधिक जेतु एयरक्राफ्ट चलिबो कनेक्टिविटी गोटे आउ गोटे इंप्रूव हबा आमे आशा रखि परबा साधारण लोकन को बेसी सुहाइबो तास तो बिजनेस मथे बढ़िबो। देखंतु एथरे अनेक गुडीए फायदा हबो। प्रथम हैला जे जो लॉस एयर इंडिया सफर करथला सेटा को केंद्र सरकार प्रैक्टिकली भरणा करथले। द्वितीय रे इनएफिशिएंट हबा द्वारा कॉस्ट अधिका होतला एवं पैसेंजर को ऊपर मध्ये लोड पडथला। तृतीय होउछि गोटे गोटे एफिशिएंट एयरलाइन हिसाब रे जेतेबेले मैनेजमेंट टी टाटा हाथ को जीवो सेतेबेले सेमाने निश्चय ताकू प्रॉफिटेबल करिवे एफिशिएंटली चलेबे एवं नुआ एयरक्राफ्ट मध्ये आनिबे
यहाद्वारा जो जो डेस्टिनेशन को आजिका दिन में कनेक्टिविटी ठीक ना सेगुड़िक इंप्रूव कर कनेक्टिविटी इंप्रूव कर पैसेंजर मैंने टाइमली से मानकर जो काम करने जो एयरलाइन यूज सफलता अर्जन करिवे एवं ओवरऑल अर्थनीति पाई कारण आपण जानिछन्ति कनेक्टिविटी गोटे बड़ जिनस कनेक्टिविटी हवा द्वारा इंप्रूवमेंट हवा द्वारा एवं जो कंपटीशन आगुरु कम होतला लिमिटेड नंबर ऑफ एयरलाइंस थिले वर्तमान जेतेबेले अधिक ये जो एफिशिएंट है जो एयर इंडिया जोटा की ठीक भाव में चली पार नथिला मु भावछी कंपटीशन मध्ये लोकों हित रे काम करिवो निश्चित भाव सर आप गुरुत्वपूर्ण कथ कौन कि आप देखते 2018 एयर इंडिया को घरकरण करने सरकार से प्रयास करते कि सफल हो नए कि गत वर्ष जनवरी पुणी थे एयर इंडिया को अंशधन प्रत्याहर प्रक्रिया आरंभ करते केन्द्र सरकार यार भितर एयर इंडिया नुआ मालिक होती टाटा ग्रुप धन्यवाद सुक्त साहू आप सहित अधिक आलोचना कर परवर्ती खबर को आसीबा भुवनेश्वर धौली में प्रेमिका को एसिड माड़ घटना अभियुक्त प्रेमिक पपुनी राउत गुजरात गिरफ पपुनी को गुजरात गिरफ करुछि धौली थाना पुलिस अगस्त 8 तारीख में धौली में घटी एक घटना तेज अगस्त 8 तारीख में घटना घटी जितेबले भुवनेश्वर धौली में एभली घटना घटी अभावन घटना घटी प्रेमिका को एसिड माड़ करते घटना बेस चर्चा होता तो पगल प्रेमिकर जघन्य कांड युवती एसिड फिंगी युवक परवर्त समय से फेरार हो जाता किंतु धौली थाना पुलिस पापुनी राउत को गुजरात गिरफ्त कर प्रेम नवेदन कर विफल होवती एसिड माड़ करुवक एभली अभावन घटना अगस्त 8 तारीख में घटी भुवनेश्वर धौली अंचल युवती से गुरुतर अवस्था उद्धार कर कैपिटल हस्पिटाल भर्ती करवर्त समय स्वास्थ्यावस्था बिगड़ कटक को स्थानांतरित कर तो एक तरफा प्रेम करुण परिणति देखा मिलता प्रेम नवेदन कर विफल हो भाव में युवक जनक निज पर नियंत्रण हर बसी एसिड फिंगी तो यार भितर देखा कि धौली पुलिस को ये सफलता मिली पापुनी राउत को गुजरात गिरफ्त कर धौली थाना पुलिस ए संपर्क अधिक सूचना पाई आम करेस्पोंडेंट दीपक सामल वर्तमान फोनलाइन जोड़ी होती दीपक देखा कि पुलिस धौली थाना पुलिस गिरफ्त कर पापुनी राउत को पूरा अपडेट कौन रही देखो गत अगस्त मास 12 तारीख धौली अंचल प्रेमिका को प्रेमिक जनक एसिड माड़ कर एवं घटना पर से फेरार थे गत काली गुजरात गिरफ्त कर धौली थाना पुलिस और आज कोर्ट चलाना पचरा उचरा बेल जना पड़ी प्रेमिका को से कोर्ट में बहुत करते जहाँ को नहीं पपुनी परिवार लोक खुशी नथिले तीन मान्यता दौ नथिले जो फल धौली बुलेवा को नहीं डाकी सेठारे जो निछाटिया स्थान को एसिड माड़ करते परवर्त मुहूर्त में घटना जना पड़ा पर एक मामला रुजु करता धौली थाना पुलिस परवर्त मुहूर्त में पपुनी को धरिया विभिन्न स्थान चढ़ाव करता कि पपुनी यार मध्य गुजरात पड़ा तेणु गत काली गिरफ्त करापुर आज कोर्ट चढ़ा होवर्त मुहूर्त में प्रकृत कौन कारण था केवल से बहुत को नहीं ना या पचर आउ कि कारण था पुलिस एवं खोलताड़ करपटे जो प्रेमिका को पुलिस थाना को डाकि पूर्वत बयान रेकर्ड कर आज पचरा उचरा करुच्छी प्रकृत धौली आसते केतले उभये कौन पाई झगड़ा है कहीं एसिड फिंगी ये सब दिख नहीं पुलिस एवं खोलताड़ जारी रखी निश्चित भाव में प्रेमिका को पुलिस खोलताड़ जारी रखी पचरा उचरा करुच्ची भितर पपुनी को गुजरात गिरफ्त कर धौली थाना पुलिस धन्यवाद दीपक आपण समस्त सूचना परवर्ती खबर को आसवा पार्वण में भिड़ हेले संक्रमण आशंका रही खोर्धा जिले में संक्रमण कमुले अधिक भय रही तेणु आमे अधिक भिड़ करना अधिक समय बाहर एकाठी रही संक्रमण बढ़िपे दृष्टि रखी पार्वण में घर बाहर निश्चित ना जदि आम आम तरफ सजग रहा कोरोना को प्रतिहत कर विशेषज्ञ एने सजग रहा अनुरोध करते समय आमको अधिक दायित्वान होगा आवश्यकता रही कहते स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र कोविड संक्रमण में इंटरनाल संक्रमण हुए हार्ट लंग्स ब्रेन उपर अधिक प्रभाव पड़ी थाए जी टीका ने तार कोरोना इफेक्ट बहुत कम आए टीका ने तार अधिक क्षति हो टीका नेला परे गुरुतर हेबार बहुत कम आशंका रही से कहते
आमे सही आखे आगे रखिकी जो मानने कंग्रिगेसन करवानी बेसी भिड़ करवानी बहुत समय पर्यटन गोटे जगार लोक जमा हे ना तांगे आमर जी भक्तिभाव अच्छी से भक्तिभाव सागर मिसेक पार्वणटा चलो समस्त गोटे इमोशनाल जिनस चलो ता सरकार बहुत भाई कि ये गाइडलाइन टी कर ताधेरे आमे तो निश्चय भाव आम आम तरफ सजग रहीबू किंतु समस्त अनुरोध गाइडलाइन सरकार मानतु कोविड वैक्सीनेशन कोविड रो इन्फेक्शन परे जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है से हार्ट इफेक्ट है लंग्स इफेक्ट है ब्रेन इफेक्ट है पेरिफेरल वेसल इफेक्ट हुए सब प्रकार जिनस इफेक्ट हुए किडनी भी इफेक्ट हुए जी वैक्सीन नौ ना कोविड रो इफेक्ट से बेसी आगु भी आम कही वैक्सीन किसी भाव में निश्चय भाव में प्रोटेक्शन दौर तेणु आम यहाँ को भी जो केते जगह भी उठू ना वैक्सीन ने गला डर आसीगला कि वैक्सीन ने आम तो मना कर वैक्सीन ने किंतु वैक्सीन नेला कोविड रो प्रभाव बहुत कम हो बेसी मॉर्बिड कंडीशन को लोक मैंने जाऊना सीरीयस स्टेज को जाऊना दशहरा पई जारी होईछि नुवा गाइडलाइन ट्विन सिटी रे नाइट कर्फ्यू अवधि वृद्धि करा जाइछि राति 8 रु सकाळ 5टा जाय बळपत्र रहइबो नाइट कर्फ्यू आसंता 10 तारिख रु भुवनेश्वर एवं कटक रे एही नियम लागू हेबो याकु कोडाकडी भाबरे कार्यकारी करा जइबो बोली बीएमसी कमिश्नर संजय सिंह कहिछन्ती वर्तमान जदियो कोविड संख्या सामान्य ह्रास पाइछि किंतु पार्वण रे एहा पूणी बढी पारे एथिपई समस्ते जत्नवान हेबा आवश्यक एणु राति 8 रु किभळी नाइट कर्फ्यू कार्यकारी हेबो सेथिपई कमिश्नर पुलिस सहित आलोचना करा जाइछि अपना देखिए आमर जो नंबर रही वीकली नंबर ऑन एन आवरेज 200 पाखापाखी रोची एंड मु भावुँ कि 200 नंबर ए पर्टिकुलरली फेस्टिवल सीजन को आखि आगे रखी गोटे सब्सटैनसील नंबर अच्छी तेणु मुद्यम समस्त भुवनेश्वर बासिंदा को मु रिक्वेस्ट करी कि आम जो सेफ्टी अच्छी कोविड प्रोटोकल्स अच्छी से पालन करवा मास्क आमे निश्चित भाव रे घर को बाहर ले आमे निश्चित भाव रे मास्क रो प्रयोग करिवा गहड़ी स्थान रे जीवा नाही वर्तमान आगामी समय रे पुलिस कमिश्नरेट सहित मिसी करी आमरो जो कोविड गाइडलाइंस अच्छी तार इम्प्लीमेंटेशन भी कड़ाकड़ी करा जीवो विभिन्न जो मॉल्स रही से सब जगह रे रैंडम चेकिंग करा जीवो एवं जोठी दरकार पड़े जोठी कोविड गाइडलाइंस रो वायलेशन होची तांको विरुद्ध रे कार्यनुष्ठान मध्य ग्रहण करा जीवो पुलिस सहित मिसी करी आउरी आमे स्ट्रेंथन करिबू एनफोर्समेंट स्क्वाड को ते भोट देला पिपिली प्रबल उत्साह सहित मत देखते भोटर कोविड कटक भितर सुरखुरी शेष होती पिपिली उपनिर्वाचन मतदान ईवीएम सिल हो 10 प्रार्थी भाग्य ते पिपिली रे मोट 78.24% मतदान हो किसी लेवल पर्यंत सक्षम हेलोनी से और पूरा आम तरह क्रेडिट पिपिलीवासी को तर किसी एपर्तंत एफआईआर होनी आम आईआईसी मर्णिंग स्पट रे जाते बुझुच्च कौन घटना होती फर्दर इनफर्मेसन अनुसार जो फैक्ट्स बाहर सेटा हमें एक्शन करेंगे स्ट्रॉन्ग रूम रे हमरा जमती कहली टोटल हमरा 3 प्लेटून फोर्स डिप्लॉयड अच्छी बीएसएफ स्टेट आर्म पुलिस और एपीआर जने असिस्टेंट कमांडेंट को तरह सिक्योरिटी का दायित्व दिया है 2 जन इंस्पेक्टर से दिया है और 5 जन एसआईएसआई रैंक ऑफिसर से काउंटिंग एंड पर्यंत कंटिन्यू कर और तापरे स्केल अनुसार हमें ताको रिड्यूस करेंगे काउंटिंग दिन हमारा 2-3 प्रकार रा व्यवस्था सब वेले थाए जो जते वेले हमारा काउंटिंग स्टार्ट होबो सेते वेले हमें से एरिया को हमें टिके और इंटेंसिफाई कर देबो डिप्लॉयमेंट और स्ट्रांग रूम को भी हमें टिके तारा पेरिफेरी एरिया को भी इंटेंसिफाई कर देबो और जो एरिया रे फॉर एग्जांपल पिपली सिटी भी हमें हमारा स्पेशल हमें प्लानिंग करिबो डिप्लॉयमेंट करिबो पेट्रोलिंग करिबो एटा हमें 1 डे प्रायर हमें तारा फाइनलाइज करिबो जानी जो एक्शन फर्दर इंक्वायरी चली विल टेक एक्शन मतदान
निश्चय जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रेवेन्यू साइड रू डिप्लॉयड अच्छा से देखी थे जॉइंटली तरह जो जो इनफर्मेशन आसो ता अनुसार एज पर गाइडलाइन रूल्स एज पर लॉ आफ्टर ड्यू इंक्वायरी एक्शन विल बी टेकन ठीक ना विस्तृत भाव में तो कहवा कथा ही नुह जस्ट मु जनरली कह देउची कि तीन प्लाटून फोर्स बीएसएफ एसएपी और एपीआर और तीन टा कॉर्डन दुई जन इंस्पेक्टर जने असिस्टेंट कमांडेंट और ता छड़ा और भी बेले बेले हमें ताको रेगुलरली इंटेंसिफाई करछु और फर्दर डिटेल तो कहवा ठीक है थैंक यू जो वन डे प्रायर हमें फाइनलाइज करिवा वन डे प्रायर आई विल टेल यू ऑल द डिटेल्स थैंक यू आपण शुणुते पूरी एसपी प्रेसमिट कनवर विशाल सिंह प्रेसमिट करुते और पिपिली उपनिर्वाचन मतदान गुरुवार शांति श्रृंखलार सहित शेष होती भोटर मैंने परवर्त विधायकों भोट दे चयन करईवीएम सिल हो जाए 10 विधायक प्रार्थी राजनैतिक भाग्य यार भितर केतेक ईवीएम त्रुटि जो मतदान में विलंब हो देखा मिले राति 9:30 जाए गोटे बूथ में मतदान चली तो जो भाव सुरक्षा व्यवस्था को पूरापूरी कड़ाकड़ी करा जोठारे ईवीएम गुड़ी रखा जानी एसपी प्रतिक्रिया रखिंट मतदान पर कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा संवेदनशील बूथ गुड़ चिन्हट करा नजर रखा विभिन्न बूथ में बीएसएफ पुलिस को मुतयन कर समस्त संवेदनशील बूथ वेबकास्टिंग वीडियो उत्तोलन व्यवस्था तेज तीन प्रमुख राजनैतिक दल प्रार्थी से बूथ में मतदान कर इस संपर्क में अधिक अपडेट पाई आम पूरी प्रतिनिधि अक्षय मिश्रा आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती अक्षय जेभली भाव में पूरी एसपी प्रेसमिट करते सुरक्षा व्यवस्था जेभली भाव में कड़ाकड़ी करा ईवीएम गुड़िक कि प्रतिक्रिया रखिंट मतदान पर कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा पूरा अपडेट कौन रही अक्षय कहतु तो पूरी एसपी कहते हैं प्राथमिक पर्यायर से पिपिलीवासी को धन्यवाद देते कारण पिपिली निर्वाचन इतिहास ये हूँ सबुठ शांतिपूर्ण निर्वाचन शेष होशेष भाव जी कह तेबे 80% पुरुष भोट देता बेले 78% महिला भोट दे तेणु 78% मतदान होकि सबुठ पिपिली इतिहास प्रथम घटना और अंपटे जदि कह तेज ईवीएम गुड़िक आसिक स्ट्रंग रूम गत रात रखा जा सारी जो गोटे बूथ में ईवीएम त्रुटि जो विलंब होता से रात 11 सुधा आसिक पहुंच सारी पुरी में विशेष भाव में समस्त सिंगल विंडो मध्यम पुलिंग पार्टी ईवीएम ग्रहण करवीएम गुड़िक वायर हाउस पूरी पेठकटा वायर हाउस सुरक्षित भाव रखा जा ये पिपिली इतिहास प्रथम शांति श्रृंखलार सहित निर्वाचन जोभली भाव में शेष एवं पिपिली डेलांगर विभिन्न स्थान में आदर्श मतदान केन्द्र कोविड नियम अनुपालन पूर्वक भोटर मैंने मतदान करते सब बूथ में सानिटाइज व्यवस्था सहित मास्क ग्लोवस मतदाता बंटन कर धन्यवाद अक्षय आपण तमाम सूचना तेज स्वच्छ भारत मिशन सहरी 2.0 शुभारंभ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन कहते प्रधानमंत्री सभी का ये भी सौभाग्य है कि आज ये कार्यक्रम बाबा साहब को समर्पित इस इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हो रहा है। बाबा साहब असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मांगते थे। बेहतर जीवन की आकांक्षा में गांवों से बहुत से लोग शहरों की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार तो मिल जाता है लेकिन उनका जीवन स्तर गांवों से भी मुश्किल स्थिति में रहता है। ये उन पर एक तरह से दोहरी मार की तरह होता है। एक तो घर से दूर और ऊपर से ऐसी कठिन स्थिति में रहना। इस हालात को बदलने पर, इस असमानता को दूर करने पर बाबा साहब का बड़ा जोर था। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है।
साथियों, आजादी के इस 75वें साल में देश ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ही सबका प्रयास का आह्वान भी किया है। सबका प्रयास की ये भावना स्वच्छता के लिए भी उतनी ही जरूरी है। आप में से कई लोग दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जरूर गए होंगे, आदिवासी समाज के पारंपरिक घरों को जरूर देखा होगा। कम संसाधनों के बावजूद उनके घरों में स्वच्छता और सौंदर्य को देखकर हर कोई भी आकर्षित हो जाता है। ऐसे ही आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, हिमाचल या उत्तराखंड के पहाड़ों पर जाइए, पहाड़ों पर छोटे छोटे घरों में भी साफ सफाई की वजह से एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। इन साथियों के साथ रहकर हम ये सीख सकते हैं कि स्वच्छता और सुख का कितना गहरा संबंध होता है। इसलिए जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना और प्रगति के लिए पर्यटन की संभावनाओं को निखारना शुरू किया, तो सबसे बड़ा फोकस स्वच्छता और इस प्रयास में सभी को जोड़ने पर किया गया। निर्मल गुजरात अभियान जब जन आंदोलन बना तो उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले। इससे गुजरात को नई पहचान तो मिली ही, राज्य में पर्यटन भी बढ़ा। भाइयों और बहनों, जन आंदोलन की ये भावना स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का आधार है। पहले शहरों में कचरा सड़कों पर होता था, गलियों में होता था, लेकिन अब घरों से न केवल वेस्ट कलेक्शन पर बल दिया जा रहा है, बल्कि वेस्ट सेग्रीगेशन पर भी जोर है। बहुत से घरों में अब हम देखते हैं कि लोग गीले और सूखे कूड़े के लिए अलग अलग डस्टबिन रख रहे हैं। घर ही नहीं, घर के बाहर भी अगर कहीं गंदगी दिखती है तो लोग स्वच्छता ऐप से उसे रिपोर्ट करते हैं, दूसरे लोगों को जागरूक भी करते हैं। इस बात से बहुत खुश हो, स्वच्छता मजबूती का बीड़ा हमारी आज की पीढ़ी ने उठाया हुआ है। टॉफी के रैपर अब जमीन पर नहीं फेंके जाते हैं, बल्कि पॉकेट में रखे जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे अब बड़ों को टोकते हैं कि गंदगी मत करिए, दादाजी नानाजी दादी जी को बताते हैं ये मत करो। शहरों में नौजवान तरह तरह से स्वच्छता अभियान में मदद कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं। कोई वेस्ट से वेल्थ बना रहा है तो कोई जागरूकता बढ़ाने में जुटा है। लोगों में भी अब एक स्पर्धा है कि स्वच्छ भारत रैंकिंग में उनका शहर आगे आना चाहिए, और अगर पीछे रह जाता है तो गांव में भी दबाव खड़ा होता है, भाई क्या हुआ, वो शहर आगे निकल गया, हम क्यों पीछे रह गए, हमारी क्या कमी है। मीडिया के लोग भी उस शहर की चर्चा करते हैं, देखिए वो तो आगे बढ़ गया तुम रह गए, तो एक दबाव पैदा हुआ है। अब ये माहौल बन रहा है कि उनका शहर स्वच्छता रैंकिंग में आगे रहे, उनके शहर की पहचान गंदगी से भले शहर की ना हो। जो साथी इंदौर से जुड़े हैं या टीवी पर देख रहे होंगे वो मेरी बात से और भी ज्यादा सहमत होंगे। आज हर कोई जानता है कि इंदौर यानी स्वच्छता में टॉपर शहर,
ये इंदौर के लोगों की साझा उपलब्धि है। अब ऐसी ही उपलब्धि से हमें देश के हर शहर को जोड़ना है। मैं देश की हर राज्य सरकार से, स्थानीय प्रशासन से, शहरों के मेयर से आग्रह करता हूं कि स्वच्छता के इस महाअभियान में एक बार फिर से जुट जाए। कोरोना के समय में कुछ सुस्ती भले आई है, लेकिन अब नई ऊर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें ये याद रखना है कि स्वच्छता एक दिन का, एक पखवाड़े का, एक साल का या कुछ लोगों का ही काम है, ऐसा नहीं है। स्वच्छता हर किसी का, हर दिन, हर पखवाड़े, हर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला महाअभियान है। स्वच्छता ये जीवन शैली है, स्वच्छता ये जीवन मंत्र है। और जैसे सुबह उठते ही दांतों को साफ करने की आदत होती है ना, वैसे ही साफ सफाई को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना। अपना देखुले स्वच्छ भारत मिशन सहरी 2.0 रो शुभारंभ करुछले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्तमान समय हो छोटे ब्रेक नहीं जीवा।